आमगांव में उत्पात मचाने के बाद रेलवे ब्रिज से गुजरकर नजदीकी जंगल में पहुंचा जंगली हाथियों का दल। रात भर उत्पात मचाने के बाद धरमजयगढ़ वन मंडल के आमगांव स्थित रेलवे ब्रिज 110 के पास आज सुबह तकरीबन 5 बजे 3 जंगली हाथियों के दल के गुजरने का वीडियो सामने आया है। इस मामले में ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात आमगांव के यादव मोहल्ले के पास 3 हाथियों का दल पहुंचा था और फसल नुकसान करने लगा, जिसे देख ग्रामीणों ने इन हाथियों को भगाने की तमाम कोशिशें भी की, किंतु ये जंगली हाथी किसानों की फसलों को रौंदते हुए नुकसान करने में लगे रहे। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से जंगली हाथियों का दल आमगांव सहित आमापाली क्रोंधा इलाके में डेरा डाले हुए है, लगातार किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं इनमें से कुछ हाथी आक्रामक भी हो रहे हैं, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। बहरहाल आज आमगांव में किसानों की फसल को नुकसान करने के बाद उक्त जंगली हाथी आमगांव और क्रोंधा के बीच बने रेलवे ब्रिज पर बने तालाब में नहाकर वापस गांव के नजदीकी जंगल की ओर लौट गए, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही चरवाहों और किसानों को जंगल तथा खेत की ओर आवागमन करने से मना किया जा रहा है। धरमजयगढ़ रायगढ़ से गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट।